हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अपना सपना में। दोस्तों मैं हमेशा की तरह उपस्थित हूं आपके सपनों का हल लेके। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सपनों का मतलब पता चल सके। तो दोस्तों आज हम सपने के विषय में बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में रेत देखते हैं, अपने सपने में बालू देखते हैं, बहुत सारा बालू अपने सपने में देखते हैं, तो यह सपना आपके आने वाले जीवन में क्या प्रभाव डालता है। दोस्तों सोने के बाद हम कई प्रकार के सपने देखते हैं और सुबह उठने के बाद उसी सपने के बारे में व्याख्या करते हैं या उस सपने के बारे में सोचते हैं कि आखिर जो सपने आते हैं क्यों आते हैं और इन सपनों का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों सपने को लेकर स्वप्न शास्त्र का मानना होता है कि जो भी सपने हम रात को सोने के बाद देखते हैं वह सपने हमारी भूतकाल की घटी घटनाएं एवं भविष्य में होने वाली घटनाएं को स्वप्न फल के द्वारा दर्शाती है। कुछ सपने में शुभ संकेत देती है, वहीं कुछ सपने में अशुभ संकेत देती है। और ऐसा ही माना गया है सपने में रेत देखना, बालू देखना। दोस्तों सपने में रेत देखना यह एक अशुभ और एक बुरा स्वप्न माना गया है। माना जाता है कि अगर आपको सपने में रेत दिखाई दे तो आने वाले समय में आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, आप किसी समस्या में फंस सकते हैं, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो कुल मिला के दोस्तों सपने में रेत बालू देखना यह एक अशुभ और एक बुरा स्वप्न माना गया है। वहीं स्वप्न शास्त्र कहता है कि जब भी आपको ऐसे अशुभ और बुरे स्वप्न दिखाई दें तो सुबह उठने के बाद ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का पाठ जाप करें, जिससे आपके बुरे स्वप्न टलने की शंकाएँ बढ़ती है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।